Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Global Institutions. My name is Varun and I will teach you English language. In the last class I have taught you non-finite verbs ke bare mein padha rahe hain aapko abhi tak aur humne bataya hai ki kitne prakar ke non-finite verbs hote hain. Sabse pehle humne aapko bataya infinitives. Split to aur verb ki first form ka istemal kiya jata hai. Wo kya hote hain infinitives? Jaise to go, to sing, to dance, to play. और बेयर इंफिनिटिव ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. जैसे आपने कहा माय फ्रेंड्स हेल्प मी गेट सेटल्ड इन कनाडा. माय फ्रेंड्स हेल्प मी गेट सेटल्ड इन कनाडा. अब इसमें आपने गेट का इस्तेमाल किया लेकिन टू गेट का इस्तेमाल नहीं किया. तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए बेयर इंफिनिटिव. क्या हो गए आपके? बेयर इंफिनिटिव. ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमने आपको ये एक्सरसाइजेस करने के लिए कही हैं. रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग इंफिनिटिव्स. इंफिनिटिव्स से आप सेंटेंस आपको बनाने एक्सरसाइज नंबर बी दी है पेज नंबर 94 पे. इसके आप कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं. जैसे पहला है दे हेल्प मी इन स्टार्टिंग माय बिजनेस. दे हेल्प मी इन स्टार्टिंग माय बिजनेस. तो यहां पे आप जब इंफिनिटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे? दे help me to start my business. They help me to start my business. ठीक है, ये क्या हो गया है? ये आपका हो गया है इंफिनिटिव, क्योंकि इसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है. टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है. ठीक है बच्चों, आपका क्लियर हो गया है कैसे हमने सेंटेंस को बनाया है. तुम स्टार्ट बना के सेंटेंस को हमने बनाया है. दे हेल्प मी टू स्टार्ट माय बिजनेस. ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल अगर उसकी बात करें तो ही वाज शी वाज सो जेनरस शी ऑलवेज हेल्प द पुअर. तो इसका क्या बन जाएगा? She was so generous. She often helped the poor. तो इसका भी आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने आप, या आपको ट्राई करना है. तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये आपको खुद से ट्राई करनी है. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग टू और इनफ. इसमें टू और इनफ लगा के सेंटेंसेस को बनाना है. कैसे? दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट. तो क्या बनेगा? दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. क्या बनेगा? दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. यहां पर टू हैवी टू लिफ्ट का इस्तेमाल किया है. एक फॉर्मेशन की भी मतलब दी हुई है, एक डी ओ टू का इस्तेमाल किया है. ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि डी डब्ल्यू टू जब भी आता है उसके आगे डी ओ टू का इस्तेमाल भी किया जाता है. किसका इस्तेमाल किया जाता है? डी ओ टू का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. और दूसरा बात है देखिए इसी एक्सरसाइज पर, ही स्टॉल ही कैन रीच द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड. इसमें क्या बनेगा? ही इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड. क्या बनेगा? ही इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड. ये बनेगा सेंटेंस नंबर टू. ही इज टॉल इनफ, ही इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड. ठीक है, इस तरीके से आपने वाला सेंटेंस बना लिया. दिस स्टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड. ये आपका रूटीन हो गया सेंटेंस. ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी ये आपको करनी है. इसके भी हम नोट्स बना के भेजेंगे आपको और फिलहाल आपको ये ट्राई करनी है खुद से. उसके बाद सेकंड चीज जो होती है इंग्लिश के बाद वो क्या होती है? जेरोस. जेरोस क्या होता है? जेरोस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. जो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होती है? जेरोस. व्हाट आर जेरोस? जेरोस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जरूर होते हैं. क्या होते हैं? जरूर होते हैं.
जैसे हमने कहा जॉगिंग इज एन एक्सरसाइज दैट वीकेंस योर हार्ट बीट, जॉगिंग लगा हुआ है तो ये क्या हो गया जरूर हो गया, इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ी गई, वर्ब में क्या जोड़ी गई है आईएनजी जोड़ी गई, तो ये क्या हो गया जरूर हो गया आपका। उसके बाद वॉचिंग अ फनी मूवी ऑलवेज चीयर्स मी अप, वॉचिंग अ फनी मूवी ऑलवेज चीयर्स मी अप, तो ये भी क्या हो गया ये भी आपका हो गया जरूर, क्योंकि इसमें वॉचिंग लगा हुआ है, क्या लगा है वॉचिंग। उसके बाद गरिमा डिसलाइक्स ईटिंग जंक फूड एंड इट इज वेरी फैटिंग, तो गरिमा डिसलाइक्स ईटिंग जंक फूड, यहाँ पे क्या होगा डिसलाइक्स ईटिंग, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा जरूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करने। उसके बाद डी डी हुई है राइट, व्हाट इज नॉट अलाउड एट दिस प्लेस, यूज द जरूर फॉर द वर्ब्स, डू नॉट लीव द टैप्स रनिंग, तो इसमें आपने रनिंग का इस्तेमाल किया है, डू नॉट लीव द गैस सप्लाई नॉब इन द ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन में गैस सप्लाई नॉब को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद देखिए हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर एफ पे, लेकिन उसके पहले हम तो आपको बताते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, व्हाट इज पार्टिसिपल। तीन प्रकार की चीजें होती हैं हमने आज बताया वीडियो में, सबसे पहले आपका होता है इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब में, इसमें 2 प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद जरूर बनता है, 1 प्लस आईएनजी फॉर्म से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब दैट हैव द फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी इन द लाइक जर्ब्स, जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इन द फॉर्म वर्ब आईएनजी जस्ट लाइक जर्ब्स, जर्ब्स की तरह ये भी होते हैं, इसमें वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन जर्ब्स एंड पार्टिसिपल, लेकिन जर्ब्स और पार्टिसिपल के बीच में क्या फर्क होता है, इज देयर यूनिफॉर्म फंक्शन, इज देयर फंक्शन, मतलब जो उनका फंक्शन होता है उस पर उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। जेरूस वर्क लाइक नाउन्स, जेरूस जो है वो नाउन की तरह वर्क करते हैं, वेयर एज पार्टिसिपल्स लाइक एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, पार्टिसिपल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, और पार्टिसिपल टू टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं टू टाइप्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल दीज एंड इन आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो आईएनजी से समाप्त होता है, जैसे आपने एग्जांपल कहा डोंट लेट मी कैच यू स्लीपिंग एट वर्क अगेन, डोंट लेट मी कैच यू स्लीपिंग एट वर्क अगेन, तो यहां पे स्लीपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, SLEEPING, तो ये क्या है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है पार्टिसिपल है, क्या ये पार्टिसिपल है। जैसे कि एक बार फिर से देखने के लिए नाम डोंट Let me, don't let me catch you sleeping. Catch you sleeping at work again. ठीक है, don't let me catch you sleeping at work again. तो यहाँ पे sleeping जो है, ये है participle आपका। ये क्या है पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसकी तरीके से काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया पार्टिसिपल। अगर ये नाउन की तरह काम करता तो ये क्या बन जाता, ये आपका बन जाता जेरो, क्या बन जाता आपका ये जेरो। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज पे हम आते हैं, एक चीज और देख लीजिए, उसके पहले पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल दीज एंड इन ईडी ईएन टी और डी, जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो ईडी पे टी पे डी पे और ईएन पे एंड होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल दो प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि देखिए एग्जांपल में मॉम रिपेयर द ब्रोकन फोटो फ्रेम, मॉम रिपेयर यहां पर क्या इस्तेमाल किया रिपेयर, Mom repaired
the frame. Mom ने frame को repair किया. यहाँ पे क्या है? Repair. ये क्या है? Repair. तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया participle. क्या हो गया बच्चों? Participle. अब इसके बाद ये exercise दी हुई है. ये exercise जो है, ये आपको करनी है. दो चार sentence जो है, अभी हम discuss करने दे रहे हैं आपके साथ. देखिए, identify if the non-finite verbs are gerunds or participle. Identify करिए, ये gerunds है या participles है. पहला, talking on the mobile phone is prohibited in the theater. ये क्या है? ये है आपका gerund. क्योंकि ये noun की तरीके से काम कर रहा है, शुरुआत में लगा हुआ है, इसलिए ये आपका क्या है? ये आपका है gerund है. उसके बाद दूसरा, a talking parrot entertained the visitors at the zoo. A talking parrot entertained the visitors at the zoo. यहाँ पर ये क्या है? Talking parrot है. तो ये participle का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये participle. क्योंकि ये adjective का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी parrot के पहले इस्तेमाल किया जा रहा है. और parrot क्या है? Noun. जो noun के पहले इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? Adjective होता है. इसलिए ये आपका क्या हो गया? Participle. ठीक है. उसके बाद तीसरा, the paramedics rushed to the aid of the shivering accident victim. The paramedics rushed to the aid of the shivering accident victim. यहाँ पर भी जो shivering word use किया गया है, वो accident के पहले इस्तेमाल किया गया है, यानी noun के पहले इस्तेमाल किया गया है. इसलिए ये क्या है? Participle. क्योंकि participle वो होता है जो कि adjective का काम करता है. ठीक है बच्चों, अब ये exercise आपको करनी है, और I will hope you will be able to do the exercise. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मॉडल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों.